दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री केदार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि रेंगी पहाड़ी स्टाइल। आशा और उम्मीद करते हो आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त और खुश हूँ, दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। अभी एक खूबसूरत दिन की शुरुआत हो चुकी है और खूबसूरत से दिन की शुरुआत हो रही है केदार घाटी से और अपनी दुकान से। तो दोस्तों, आज मैंने दुकान खुद ही खोली क्योंकि पापा अभी नाश्ता कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं ही खोल दूँ। बाकी मशीन तो इतनी भारी है ना, मुझसे ना बाहर भी नहीं ले जाई जा रही है, तो पापा जब आएंगे ना खुद ही कर लेंगे। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के दिन में क्या क्या होता है। तो आज के मौसम की बात करें ना, काफ़ी खूबसूरत सा मौसम हो रखा है और रात को ना खूब सारी झमाझम बारिश आई और अभी तक ना पूरे बादल लग रखे हैं और पेट्रोल पंप के भी कुछ नज़ारे देखो भाई, गजब के दिख रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने शॉप में ना काम करने के लिए भी ला रखे हैं, देखो भाई इसमें ना पूरी बुक्स हैं और ये काम कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना अगर कुछ टॉफ़ी वाली दुकान रहती तो मैं टॉफ़ी बेचती, लेकिन ये ऐसे वाली दुकान है मुझे कुछ भी नहीं आता है। भले तेल वगैरह तो हम बेच लेंगे, पर बैठे बैठे भी क्या ही करना है, इससे बढ़िया अपना कुछ पढ़ लिख लिया, तो मैं वही यहाँ पे कर रही हूँ। बाकी मम्मी तो अभी आई है नहीं, मम्मी का इंतज़ार कर रही हूँ और पापा तो आ गए हैं, तो मिलते हैं आपको। अभी बज गए हैं दिन के 11 और मैं जा रही हूँ घर की ओर क्योंकि खाना बनाने की ड्यूटी मेरी है। बाकी आज ऑफिस भी बंद है। मेरे पे आएगा बंदर, यहाँ आएगा वो, बंद करो ना दरवाजा। आंटी वो कितना बड़ा मुंह कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे ना इतना बड़ा बंदर है ना, गांव में ना एक बंदर है, वही बंदर ना सारे जगह घूमता है। और वैसे भी आज का ना ककड़ी मुंगरी का टाइम है और खाने आ जाएगा, तो मैं चलती हूँ खाना बनाने। अभी चावल बनके रेडी हो गया है और यहाँ पे बनाई जा रही है कढ़ी। आज मैंने बनाई है कढ़ी। बाकी ये देखो भाई, ओवन में बैठ गई है और मैंने आटा भी गूंथ लिया है मम्मी के लिए, 4 रोटी बनानी है, तो अब जल्दी से रोटी बनाती हूँ। और आज ना दादी ने बनाया खाना है दादी, आज ना कढ़ी तुन बड़े हाँ नहीं बड़े तो ना, ये देखो भाई। तो मैंने ही बनाया दोस्तों, दादी ने नहीं बनाया है। दादी को नहीं आता है खाना बनाना, आता भी है लेकिन गैस में नहीं आता है, चूल्हे में आता है, आग में। तो ये देखो भाई, दादी को मैंने बोला ये वाला काम आप करो और मैं रोटी बनाती हूँ। तो दोस्तों, अभी मैंने दिन का लंच भी कर दिया है। बाकी आज लंच में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बन रखा था। जिन लोगों ने मेरा इससे पहले वाला ब्लॉग देखा होगा मौसी के घर का, वहाँ से हम लेके आए थे कड़ी पत्ता और कड़ी में कड़ी पत्ता का और छौंका काफ़ी ज़्यादा ना टेस्टी होता है जब उसका तड़का उसमें लगता है ना। तो पापा लोग भी कह रहे थे कि आज काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन रखी है, तो मैंने कहा मैंने ही तो बनाई है इतना टेस्टी खाना। तो मम्मी धो रही है बर्तन, आज मैं नहीं धो रही हूँ और अब मैं ना अच्छी वाली नींद वाली चैन वाली सो जाऊंगी अब अच्छे से एक नींद, और मिलते हैं आपको मैं सीधे सोने के बाद। तो दोस्तों, जैसे मैं लेटी ना, कन्नू यहाँ पे आ गया है और ये मुझे सोने नहीं दे रहा है। कन्नू नीचे चले जाना सोने। नहीं। किसके साथ सोएगा? किसके साथ? दीदी के साथ। मम्मी के साथ नहीं सोएगा? नहीं। ये आजकल ना 3-4 दिन से हमारे यहाँ सो रहा है क्योंकि आजकल मैं घर आ रही हूँ, है ना। ये देखो दोस्तों, अब मुझे ये सोने नहीं देगा, ऐसी मस्ती मजाक करेगा और जैसे इसको नींद आने वाली होगी ना, तब खुद ही ऐसा हो जाता है ना। तो दोस्तों, अभी बच गए हैं शाम के 4:30 और मेरी तैयारी हो गई है दुकान जाने की, तो चलते हैं। बाकी 4 बजे तक भी ना आजकल पूरी धूप चली जा रही है और गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है ना, अंदर गढ़वाल में भी ना बिना फ़ैन के रह ही नहीं जा रहे, और इस बार हर कोई कह रहा है कि इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है पहाड़ों में भी। तो अभी मम्मी भी रेडी हो गई है शॉप में जाने के लिए। मम्मी सुबह से नहीं दिख रहे हो, हेलो तो कर लो। हाय। तो दोस्तों, यहाँ सामने पे आपको रेस्टोरेंट दिख रहा होगा, शिवधाम होटल एवं रेस्टोरेंट। तो इन्होंने भी भाई चले गए हैं रेस्टोरेंट बंद करके क्योंकि इस बार यात्रा सीजन ना बहुत ही ज़्यादा कम है।
तो दोस्तों ऐसा ना केदार घाटी वाली रोड पे जिन्होंने लीज पे ले रखा था ना, काफ़ी सारे लोग ना चले गए हैं लॉज को छोड़ के, क्योंकि जब रूम लगी नहीं रहे तो वो लोग भी क्या ही करेंगे यहाँ पे। तो काफ़ी सारे मैं देख रही हूँ लॉज जाते टाइम कि कह रहे हैं कि चले गए हैं, जाना तो पड़ेगा भाई। तो दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं पेट्रोल पम्प पे, बाकी हमारी शॉप पर इधर मम्मी आज चले गई है। दोस्तों अभी मैं और आंटी जा रहे हैं उधर नारकोटे की साइड घूमने के लिए, तो आपको भी ले चलते हैं उधर नारकोटे साइड। तो दोस्तों अभी हम गाड़ी से यहाँ तक आए, बाकी नाला से नारकोटे की डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, तो हम आए थे ये वाले लॉज पे, तो चलते हैं अब। तो दोस्तों अभी आपको ये सामने वाला गांव दिख रहा होगा, ये है नारकोटे गांव, बाकी यहाँ सामने पे ये है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, ये देखो भाई काफ़ी खूबसूरत से नज़ारे। तो दोस्तों आज हम आए थे बुआ जी के लॉज पे कुछ ज़रूरी काम से, तो अभी सारे काम कर लिए हैं, फिर से जाएंगे नाला की ओर। दोस्तों अभी हम यहाँ पे आ गए हैं सब्जी लेने के लिए, देखते हैं सब्जी क्या क्या है। दोस्तों बैंगन है, भिंडी है, पत्ता गोभी है, देखते हैं इनमें से क्या लेते हैं। बाकी ये देखो भाई अचार भी यहाँ पे है, और इस पर लिख रखा है द विलेज स्टोरी मिक्स पिकल, ये देखो भाई। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच गई हूँ अपनी शॉप पे, बाकी हम इस टाइम ना पैदल ही आए, जाते टाइम तो गाड़ी मिल गई थी फ्रेंड की थी, और आते टाइम पैदल ही आए घूम घाम के। बाकी मम्मी यहाँ पे बैठ रखी है मम्मी, हाँ। कुछ बोलना चाहोगे? कैसा लग रहा है फिर? बिल्कुल दोस्तों आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे ना, सबके लॉज खाली हैं, बाकी मेरी छुट्टियां भी ना पूरी होने वाली है, 1 महीना हो गया पता ही नहीं चल रहा है। हाँ मम्मी तो अब कुछ दिनों में मैं भी निकल जाऊंगी कॉलेज अगस्त मुन्नी के लिए, बाकी यहाँ पे बैठ रखे हैं और नज़ारों का आनंद ले रहे हैं, और आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मैं सृष्टि नेगी, मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री केदार।